चलो अब मैंने बता दिया ये, ठीक है। बस एक ही क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ है मेरे ख्याल से, फर्स्ट क्वेश्चन यही वाला था, और फर्स्ट क्वेश्चन में ये था, अभी रिकॉर्डिंग चालू होगी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उसको। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या था, एक ही क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस हुआ है। नहीं, इससे पहले एक और हो गया, कोई बात नहीं, हम ये देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया जिसमें ये क्वेश्चन है जे मेन 2011 का, और ये नीट में भी आ चुका है। इसमें कहा है कि दो टेम्परेचर T1 T2 में कार्नो इंजन ऑपरेट करता है, और पहले उसकी एफिशिएंसी 1/6 है। तो ये एक इक्वेशन आ गई। फिर कह रहा है कि T2 के टेम्परेचर को 62 केल्विन से लोअर कर दें तो उसकी एफिशिएंसी डबल यानी 1/3 हो जाती है। तो हमें सोर्स और सिंक के टेम्परेचर T1 T2 को फाइंड करना था। तो ये देखिए 1/6 ये यहाँ से रिलेशन आ गया, ठीक है, और बाकी 1/3 को यहाँ पे इसको इधर ले जाके सॉल्व कर लिया, एक ये आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद T2 310 और T1 372 केल्विन आ गया, आंसर सी होगा। ये जेई मेन 2011 का ही क्वेश्चन था, आंसर सी। ये क्वेश्चन कराया, एक और कराया था वो आप इजी था। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, मैंने कहा ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 2015, 2017 और जेई मेन 2007 में, ठीक है। बीटा की जो वैल्यू है ये 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा ये है, दैट इज 1 माइनस 1/10 और 1/10 ये वैल्यू रखी, तो यहाँ से बीटा कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू 9 आ गई। क्वेश्चन क्या था मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अ कार्नो इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन इज यूज एज रेफ्रिजरेटर। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि रेफ्रिजरेटर की तरह हीट इंजन को इस्तेमाल कर सकते, कल की क्लास में लास्ट में बता रहा था। तो वहां आपको ये बीटा और ईटा के रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिए ये सवाल मिल गया, और वो भी एक बार नहीं 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो कार्नो इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन इज यूज एज ए रेफ्रिजरेटर इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल। वर्क डन 10 जूल है, ये हीट पंप का फंक्शन है, ये यहाँ से ब्लॉक डायग्राम है, T2 टेम्परेचर है, यहाँ से हीट Q2 लेता है, उसके लिए वर्क करना पड़ता है, ये रिजेक्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। तो यही मैं आपको बता रहा था अभी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वॉयर एट लोअर टेम्परेचर। तो नाम पर ना जाए, क्योंकि हीट इंजन में हमने रिजर्वॉयर इसको कहा था, अभी ये रिजर्वॉयर है और इसी का टेम्परेचर लो होता है, इसी टेम्परेचर पर हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हीट Q2 डिमांड कर रहा है, आपको बतानी है, और हम बीटा निकाल चुके हैं 1 माइनस ईटा करके, ईटा की वैल्यू क्वेश्चन में 1/10 दी है, क्योंकि हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसकी इंजन की एफिशिएंसी 1/10 दी थी, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 9 आ गया। और ये मैंने समझाया था कि बीटा की वैल्यू Q2 अपॉन W है, बीटा की वैल्यू Q2 अपॉन W है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 रखेंगे, Q2 अपॉन W 10 रखेंगे, तो Q2 आ गया 90 जूल, Q2 आ गया 90 जूल, ठीक है। तो ये Q2 डिमांड कर रहा था, ये आ गया, और मैंने कहा था ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2015 नीट में, 2017 में, और जेईई मेन में 2006 या 7 में शायद, मेरे ख्याल से आया है सेम क्वेश्चन विदाउट एनी चेंज। मेन समझने की बात है, अच्छा एग्जाम्पल है, समझने की बात यह है कि हम हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और रेफ्रिजरेटर को हीट इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑपरेट इन रिवर्स ऑर्डर, दोनों रिवर्स ऑर्डर में काम करते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ से, बी वाला आंसर करेक्ट हो गया, बी वाला आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने अभी चालू की है, तो एक इससे पहले क्वेश्चन और कराया था, वो भी चलो मैं करा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे किसी वजह, जो भी वाट एवर बी द रीजन। तो ये क्वेश्चन एक और मैंने कराया है, इसका मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि एक रेफ्रिजरेटर है, एक कार्नो इंजन है सॉरी, और कार्नो इंजन दो टेम्परेचर T2 T1 के बीच में, ये 2011 का ही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कार्नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 हैज एफिशिएंसी 1/6। अच्छा सेम क्वेश्चन नीट में भी आया है, ये जेई मेन 2011 का है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, और नीट में भी यही क्वेश्चन आया। नीट की लैंग्वेज बस इतनी थी कि जब हम इसका टेम्परेचर T2 का 62 केल्विन लोअर कर देते हैं तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है, तो 1/6 का डबल 1/3 ही तो होगा, वहां डबल कह रखा है, इसमें दे रखा है 1/3, बात एक ही है। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ,
A Carnot engine operating between temperature T1 and T2 has efficiency 1/6 when T2 is lowered by 62 Kelvin. एक चीज और बता दो, ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है और वहां डिग्री सेंटीग्रेड कर देगा, लोअर्ड बाई डिग्री 62 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुछ बच्चे इसमें गलती कर जाएंगे कि 62 में 273 ऐड करके उसे माइनस करेंगे। भैया चेंज कर रहे हैं तो चेंज डिग्री सेंटीग्रेड में करो या केल्विन में करो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो T2 माइनस 62 ये हमने किया, ठीक है, माइनस 62 टेम्परेचर में चेंज। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में भी दे देना तो भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो चेंज कर रहे हो इतने का चेंज, और ये एफिशिएंसी 1/3 हो जाती है। तो कह रहा है T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, तो बस ये दो इक्वेशन बना दी, पहली दूसरी दोनों को सॉल्व किया, T2 T1 आ गया। दूसरा ये था क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 3 बार आ चुका है एग्जाम में, ये 2 बार आ चुका है। नीट का ईयर मुझे याद नहीं, आपको पता लग जाएगा, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, जेई में भी आया है और नीट में भी आया है, ठीक है। इससे पहले एक सवाल और कराया मैंने, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन था आज का, लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया है जो मैंने किया है, आप नोट कर लो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, वो मैं दोबारा से करा रहा हूं। ये जेई का ही क्वेश्चन था 2014, और इसमें कहा है कि अ कार्नो इंजन एब्जॉर्ब 1000 जूल ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ रिजर्वर एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक हीट एब्जॉर्ब करता है T1 टेम्परेचर 400 केल्विन, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 127 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 400 केल्विन हो गया। इस टेम्परेचर पर 1000 जूल हीट यूज करता है एक हीट इंजन, और उसमें से 600 जूल Q2 इतनी रिजेक्ट कर देता है T2 टेम्परेचर पर, इसमें से कुछ वर्क में गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए W निकालेंगे, और आपको याद है W के लिए मैंने बताया था ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड होगा, तो W की वैल्यू कितनी आ गई 400 जूल। अब एफिशिएंसी होता है वर्क डन W, जो यूजफुल वर्क होता है, और उसके लिए कितनी हीट सप्लाई करी, सो डिवाइडेड बाई Q1, तो ये 400 आ गया और ये 1000। अब ये आप सॉल्व करोगे तो 0.4, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो 40%। अब देखिए इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 40% दिया है, दैट इज बी। तो आपको आगे टेम्परेचर ऑफ सिंक निकालने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको थोड़ा स्मार्टली वर्कआउट करना है। तो आपको यहाँ ये देखना होगा कि 40% हमारा ऑप्शन एक ही ऑप्शन है बी वाला, और कोई है ही नहीं उसमें, तो आप सीधे टिक कर दो। लेकिन फिर भी स्टिल यू वॉन्ट टू फाइंड आउट, तो एफिशियंसी का कार्नो इंजन कह रहा है, इसलिए एफिशिएंसी के लिए ये 40% यानी 0.4, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था T2/T1, 1 - T2/T1 इसमें रखो, और ये आपका T2 डिमांड कर रहा है, T1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 400, और ये इधर आ जाएगा 0.6, तो T2 की वैल्यू 240 केल्विन आ गई। आंसर वहां डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस का 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यही क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने शुरुआत में कराया था जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो अब हो गया पूरा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो लेट ज्वाइन किए हैं वो बच्चे भी देख लें, तो अभी क्लास में लेट एंटर हुए हैं, बाकी मैंने इसीलिए रिपीट कर दिया है। आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने अभी एक या दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो बेहतर है लास्ट में करेंगे। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, इसके आगे देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन भेजे उसमें सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरीज ऑफ हीट एवरी सेकंड, ध्यान रहे पर सेकंड की बात कर रहा है, इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर स्पेस कॉन्स्टेंट द पावर रिक्वायर्ड इज ठीक है, कितनी पावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो कितनी पावर की मतलब यहाँ पे कितना उसको वर्क करना पड़ेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखिए ये इरेज कर देता हूं मैं इसको सबसे पहले, तो और जो टेम्परेचर यहाँ पे दिए हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हैं, बट आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड में यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना आपको केल्विन में ही यूज करना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्योंकि बताया नहीं है कि कैसा रेफ्रिजरेटर है, तो हम रेफ्रिजरेटर को कार्नो रेफ्रिजरेटर लेके चल सकते हैं। आपको याद होगा कार्नो रेफ्रिजरेटर हो या कार्नो इंजन हो, उसकी एफिशिएंसी या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को जब हम लिखते हैं तो टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट द रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो T2 की वैल्यू 277 केल्विन हो गई, T2 लो टेम्परेचर, और ये जो T1 है इसकी वैल्यू 30 है तो 273 प्लस 30 303 केल्विन ये हो गया। और इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें, हीट पंप कह लो या रेफ्रिजरेटर कह लो, तो ब्लॉक डायग्राम थोड़ा बना लेंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। यहाँ पे 303 केल्विन है और ये 277 केल्विन है, 277 केल्विन, और कह रहा है कि इसके लिए अब देखिए पावर वावर तो निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट एवरी सेकंड इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर स्पेस कॉन्स्टेंट। तो आप मुझे बताइए ये जो 600 केल्विन जो दिया है, ये 600 कैलोरी ये कौन सी हीट है या कोई वर्क है कौन सा है, ये अगर आपने सही से आइडेंटिफाई कर लिया तभी आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाएंगे। आउटपुट है सर। आउटपुट का मतलब क्या है यहाँ पे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आउटपुट सर Q2 Q2 है कि W है, ये मैंने कल समझाया भी था, जिसने कल की क्लास देखी होगी उसको दिक्कत होगी समझने में। कुछ बच्चे सोचते हैं आउटपुट ये है इनपुट ये है, एकदम गलत है ये, मैंने कल समझाया था। फ्रिज के अंदर से 600 कैलोरी हीट निकालना है, फ्रिज के अंदर से 600 कैलोरी निकालना है, कौन सी वाली हीट निकलेगी फ्रिज के अंदर से? Q2। और इसमें फिर गलती हम करेंगे, ये 600 कैलोरी है और हमें आंसर पावर बतानी है, वो भी वाट में बतानी है, और ऑप्शन भी अगर आप देखो तो वाट में ही है, तो आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो 4.2 दिया है, 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो दे दिया नीचे, ये Q2 आ गया। अब आप मुझे बताइए कि फ्रिज को चलाने के लिए जो वर्क हम कर रहे हैं वो वर्क ये है कि ये है, क्योंकि उसने पावर पूछी है कितनी पावर कंज्यूम कर रहा होगा, तो वो पावर तो निकाल लेंगे, एनर्जी पर सेकंड इतनी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो एनर्जी पर सेकंड जो वर्क करेगा वो निकल आएगा एक सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हम क्या निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। बीटा का फॉर्मूला क्या था भैया बताओ, बीटा तो निकालने की जरूरत पड़ेगी ना। Q2 upon Q1 minus Q2। हाँ, Q2 upon Q1 minus Q2 के बजाय हम लिखेंगे T2 upon T1 minus T2, क्योंकि टेम्परेचर दिया है ना हमको। मेरी बात समझ में आ रही हो शायद आपको? यस सर। यही लिखेंगे या कुछ और आएगा? जो Q2 upon Q1 टेम्परेचर के टर्म में, देखो मैंने कहा ना क्वेश्चन में दिया नहीं है, कार्नो इंजन मान सकते हैं, और कोई तरीका भी नहीं है क्योंकि हमारे पास बाकी चीजें यहाँ पे नहीं है, तो ये हमने कार्नो इंजन माना, तो ऊपर लिखा मैंने Q2 की जगह T2 और ये T1 minus T2, क्या बोलते हो? यस सर। तो T2 की वैल्यू आ गई 277, और यहाँ नीचे इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 4 और 30 का 26 आ जाएगा, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया, और इसे मैं बराबर कह सकता हूँ Q2 अपॉन W के, तो W आ जाएगा यहाँ से। ये मेरी बात समझ में आई हो शायद आपको, Q2 की वैल्यू 600 into 4.2 upon W। ध्यान रखना इतनी हीट पर सेकंड है, तो वर्क भी पर सेकंड में आएगा, तो आपका आंसर सीधे ही वाट में आ जाएगा। तो आप इसको कर लो सॉल्व, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ये एनर्जी पर सेकंड है, यानी जूल पर सेकंड हमने रख दिया, तो ये भी इसका भी यूनिट जूल पर सेकंड यानी वाट में ही आ जाएगा। आप पहले एक काम करो, इसको निकाल लो पर सेकंड में, बाद में भी कर सकते हो, तो कोई अलग से कुछ नहीं करना है आपको, ये नहीं सोचना है
इसकी कितनी आएगी वैल्यू, सॉल्व करके बताइए मुझे। बी वाला ऑप्शन से। बी वाला यानी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 236.5 वोल्ट। चेक कर लो बाकी लोग भी, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन है। इसके आगे वाला क्वेश्चन एंट्रोपी का है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में थ्योरी में। अब वापस हम लौटते हैं, कुछ सवाल जो मैंने बीच में छोड़े थे वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये हो गया एंट्रोपी वाला, लास्ट क्वेश्चन हम बाद में आएंगे। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अब जो रह गए इसमें क्वेश्चन, मैंने दो क्वेश्चन छोड़े हैं आई थिंक, बाकी तो सारे हो ही गए जितने भी क्वेश्चन भेजे थे, 15-20 क्वेश्चन ही करीब थे। तो हम इसमें जो दो क्वेश्चन रह गए, पीछे लौटा हूँ 2016 जेई मेन का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जेई 2016। और क्या क्वेश्चन है जरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कार्नो फीजर ट्रेक्स हीट फ्रॉम वाटर एट 0 degree इनसाइड इट एंड रिजेक्ट इट टू द रूम टेम्परेचर एट 27 degree सेंटीग्रेड। द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 × 10³ जूल पर केजी। इफ 5 kg ऑफ वाटर एट 0 degree सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इन टू आइस एट 0 degree सेंटीग्रेड बाई द फ्रीजर, देन द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई द फ्रीजर इज क्लोजेस्ट टू। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई फ्रीजर, एनर्जी कंज्यूम बाई फ्रीजर का मतलब आप इसी डायग्राम को यूज कर सकते हो और आप मुझे बता सकते हो कि क्या डिमांड कर रहा है इस क्वेश्चन में। मैं चाहूंगा आप एक बार ट्राई करें, लेकिन उसके पहले चीजें क्लियर हों। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। कार्नो फ्रीजर टेक्स हीट फ्रॉम वाटर एट 0 degree सेंटीग्रेड इनसाइड इट एंड रिजेक्ट इट टू द रूम एट ए टेम्परेचर ऑफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये वाला जो है, ये टेम्परेचर जो होने जा रहा है 27 का मतलब 300 केल्विन पे रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पीछे वाला आपने नोट कर लिया है, तो पीछे वाले को मैं मिटा देता हूँ, डायग्राम बस रखूंगा इसमें। डायग्राम तो यही यूज हो जाएगा, ये रेफ्रिजरेटर, फ्रिज रिजेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो 273 केल्विन 0 degree सेंटीग्रेड पर है अंदर का टेम्परेचर और बाहर का सराउंडिंग का 300 केल्विन यानी 27 degree सेंटीग्रेड है। अब इसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये कह रहा है कार्नो फ्रीजर टेक्स हीट फ्रॉम वाटर एट 0 degree सेंटीग्रेड इनसाइड इट एंड रिजेक्टेड टू द रूम एट द टेम्परेचर ऑफ 27। तो सबसे पहले टेम्परेचर तो एकदम क्लियर उसने बोल ही दिया है कि अंदर से हीट ले रहा है बाहर रिजेक्ट कर रहा है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे, लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखी है। लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बर्फ का पानी का बर्फ बनाना है, तो 336 × 10³ और बर्फ को जमाने के लिए जो हीट चाहिए पानी में से एक्सट्रैक्ट करेगा m × l 5 kg है और ये जो डाटा भी दिया है वो भी आपको जूल पर केजी दे रखा है। तो ये जो हीट आ जाएगी 336 × 10³, ये हीट आपको जूल में मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि ये हमें हीट मैंने क्यों लिखा है, आपको डिसाइड करना है कि ये हीट कौन सी वाली है, Q1 है Q2 है, एक चीज तो ये डिसाइड करना होगा। दूसरी चीज इसमें ये है कि ये कह रहा है 5 kg ऑफ वाटर एट 0 degree सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू आइस एट 0 degree सेंटीग्रेड बाय द फ्रीजर, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द फ्रीजर इज क्लोजेस्ट टू, अप्रोक्स आंसर बताना है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द फ्रीजर का मतलब कौन सा है, इसमें कोई बता सकता है मुझे एनर्जी कंज्यूम बाय द फ्रीजर कौन सा वाला होगा? जब तक ये ना पता हो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमको एक्चुअली क्या निकालना है, कुछ आइडिया लग रहा है एनर्जी कंज्यूम बाय फ्रीजर का मतलब क्या है? कुछ लोग सोच रहे होंगे Q2 है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि W है, ये क्लियर होना चाहिए। एनर्जी फ्रीजर कंज्यूम करेगा तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी बताइए। अरे भैया एनर्जी फ्रीजर, घर में फ्रिज लगाते तो कौन सी एनर्जी कंज्यूम करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है यार, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कंप्रेसर चलता है उसका, तो वो एनर्जी W है कि Q2 है? ये क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे यार। आपको टीचर ये बताने के लिए थोड़ी होगा, कंफ्यूजन में ही रह जाओगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फ्रीजर एनर्जी जो कंज्यूम करता है, आपके घर में फ्रिज लगा होगा तो वो एनर्जी जो कंज्यूम करता है वो कौन सी करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
और इलेक्ट्रिक डब्ल्यू पूछ रहा है, वो डब्ल्यू पूछ रहा है। अब आप बताइए कि बर्फ को उसे जमाना है, फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग लाइन है कि बर्फ को जमाना है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पहले से है और बर्फ जमाना है तो स्टेट तो चेंज होगी, तो हीट या तो पिघलाओगे तो देनी पड़ेगी और यहाँ जमाओगे तो लेनी पड़ेगी। अब ये जो हीट आई है, कैन यू टेल मी कि ये जो हीट है ये कौन सी हीट है? बर्फ में से बर्फ को जमाने के लिए इतनी हीट हमने निकाली, तो ये हीट कौन सी है? कैन यू टेल मी? जब तक है Q2 सर। Q2 बिल्कुल सही, क्योंकि बर्फ उसके अंदर है, बर्फ पानी से बर्फ जब बनी है तो उसमें से हीट हमने निकाली और उसमें इतना वर्क ऐड करके ये सराउंडिंग में चली गई। ये तो रिजेक्शन है, ये यहाँ जो Q2 हीट है ये बर्फ से ही तो मिली है। जब आइस जमी, पानी से बर्फ बनी, तो इतनी हीट हमको मिली और उसको निकालने के लिए इतना वर्क हमको करना पड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा फ्रीजर के लिए हम पहले ही यहाँ निकाल लेंगे। थोड़ा मैंने पहले पार्ट इसको लिया है, आप अगर नोट कर रहे हो तो नोट करने में पहले इसको आप कीजिएगा, देन इधर आना, क्योंकि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन का डायग्राम ही यूज कर लिया है। तो बीटा की जब वैल्यू हम लेंगे तो बीटा की वैल्यू के लिए हमारे पास टेम्परेचर है, क्योंकि हमें यहाँ बीटा की जरूरत पड़ने वाली है। और बीटा का फॉर्मूला क्या होता था? बीटा का फॉर्मूला होता था Q2 अपॉन W। तो Q2 हमारे पास ऑलरेडी है, W हमको चाहिए, बीटा चाहिए। तो बीटा कैसे निकलेगा? बीटा निकलेगा टेम्परेचर से। तो बीटा का फॉर्मूला अभी लिखा क्या था? टेम्परेचर के टर्म में। अच्छा, कार्नो फ्रीजर दे रखा है, आप समझो टर्मिनोलॉजी को, समझोगे क्वेश्चन आप 100% करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने आपको 2 दिन पहले एक बात बोली थी कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा और क्वेश्चन आपसे निकलेंगे। होता क्या है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, कुछ बच्चे क्या है कि थ्योरी पढ़ ली, कुछ ऐसे महान है कि थ्योरी ही नहीं पढ़नी, वो सीधे क्वेश्चन पर टूट पड़ते हैं, बोले अभी मैं क्वेश्चन कर डालूंगा। नहीं होंगे भाई, बुरा मत मानो मेरी बात का, मैं तो साफ बोलता हूँ, नहीं होंगे जब तक थ्योरी आपकी अच्छे से नहीं होगी। तो क्वेश्चन अगर जो पहली बार ठीक ठाक कॉन्फिडेंस आ रहा है, मान लीजिए पढ़ रहे हैं आप पिछले 4 महीने 5 महीने से लॉकडाउन के बाद पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आया होगा, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ अभी भी आपसे क्वेश्चन अगर नहीं निकल रहे, उसका बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आपको थ्योरी पे ग्रिप नहीं है। आप थ्योरी पढ़िए, भले ही आप 2 साल 3 साल हो गए मान लो तैयारी, कई बच्चों को लगता है कि मुझे थ्योरी आती है, स्टिल मैं कह रहा हूँ कुछ चीजों को लैग कर रहे होंगे जब तक थ्योरी नहीं आपको याद होगी, कौन से कई बार पढ़ो उसको, और वंस यू आर थ्रू विद द थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। और क्वेश्चन का लेवल भी मैं बताऊं, आपका इजी टू डिफिकल्ट होना चाहिए, इजी टू डिफिकल्ट होना चाहिए, डिफिकल्ट टू इजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सही तरीका होता है कि हम पहली सीढ़ी चढ़े, ऐसा नहीं होगा कि सीधे जंप करके 10वीं सीढ़ी पहुंच गए फिर नीचे उतर के आ रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप पहले से दूसरे से तीसरे से चौथे ऐसे ही जाओगे, और पेपर में भी यही तरीका सही होता है। हालांकि किसी विद्वान आदमी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, ठीक है, कि पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन करने चाहिए, पर मैं कहूंगा, मेरा अपना ओपिनियन है, तो मैं ये कहूंगा कि पहले इजी क्वेश्चन करने चाहिए और प्रैक्टिस में भी इजी क्वेश्चन करने चाहिए और एग्जाम में भी पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना आप शुरुआत में अच्छा स्कोर कर लोगे उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये इन जनरल है, ऐसा नहीं होता कि खिलाड़ी क्रिकेट खेलने गया, पहली बॉल पे जाके छक्का मार दिया, वो जाके पिच का मुआयना करता है, बॉल का बाउंस कैसा है, किस तरह का बॉल स्विंग तो नहीं कर रही पहली बॉल पे। एक खिलाड़ी ये कैसा था, सहवाग वगैरह मैंने देखा था, पहली बॉल से आके छक्का चौके मारना शुरू कर देता था। अदरवाइज कोई भी खिलाड़ी आता है वो बेचारा पहले आके टिकेगा, 2-4-6 बॉल खेलेगा, हो सकता है पहले ओवर में 1 या 2 रन ही आए, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ओवर में ही 36 रन मार दिए, मुझे तो नहीं लगता कभी ऐसा हुआ होगा, 2020 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहले आपको शुरुआत में इजी क्वेश्चन पिकअप करने चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए भी और एग्जाम में भी। अब प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो डू नॉट मूव टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली, अगर आपने पहले से अच्छी प्रैक्टिस नहीं किसी टॉपिक की, थ्योरी को पहले अच्छे से पढ़ो, थ्योरी से वंस यू आर थ्रू विद द थ्योरी अच्छे से नोट्स होने चाहिए पढ़ने के लिए, ये नहीं कि लिया वीडियो स्टार्ट कर दिया। मैं इसीलिए कहता हूँ नोट्स प्रॉपर बनाइए, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें थोड़ा स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम से कोर्स कंप्लीट हो जाए, थोड़ा आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाए, तो अगर नहीं भी नोट कर पाते तो स्क्रीनशॉट में बार बार क्यों बोलता हूँ, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लास में तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाए हैं आपने, वो नोट्स पढ़िए, बार बार ये नहीं मोबाइल लेके बैठ गए आंखों पे दर्द पड़ेगा यार, मोबाइल तो एक अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, वी हैव नो चॉइस, तो ठीक है मोबाइल, अदरवाइज आपके पास नोट्स होंगे नोट्स पढ़िए। खैर देखिए, बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये याद होने चाहिए फॉर्मूले, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये अभी एंट्री ले रहे हैं कुछ बच्चे तो अभी जगह होंगे आराम से। तो बीटा है T2 अपॉन T1 माइनस T2,
तो T2 की वैल्यू भैया ये है 273 और अपॉन T1 माइनस T2, तो इनका जब डिफरेंस लेंगे ठीक है 27 है और एक 0 डिग्री 27 आ जाएगा। तो ये वैल्यू करीब करीब अप्रोक्स में बता रहा हूँ, लगभग 10 कह सकते हैं क्या? देखो अब ये इसको इतना एग्जैक्ट नहीं सॉल्व करना है, आप इसको लगभग 10 ले लो, मेरी बात समझ में आ रही हो? उसने आंसर भी जो डिमांड किया वो अप्रोक्स किया है, क्लोजेस्ट टू का है। तो ये बीटा की वैल्यू मैं 10 लेके चल रहा हूँ और Q2 हमको दे दिया है, Q2 इज दिस 5 × 336 × 10³ upon W। तो आप एक काम करो, W को इधर ले आओ और 10 को इधर ले आओ, 5 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये चला जाएगा 16 32 168। ठीक है देखो कौन सा आंसर है इसके नियरेस्ट, डी वाला सर, 1.68 × 10⁵ जूल नियरेस्ट आंसर। ठीक है डी वाला, क्लोजेस्ट टू का। समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस सर। क्वेश्चन का अप्रोच तभी डेवलप होगा जब आपके पास टूल्स हो। टूल्स का मतलब मेरा यहाँ पे थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद होंगे थोड़ा सा शुरुआत में धीरे धीरे, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना एक ही उस पे 3-4 सवाल जब लगा लोगे, अब जैसे आज की क्लास जो है वो पूरी एफिशिएंसी के ऊपर है, इतना टाइम कहाँ कोई देगा तुमको कि एफिशिएंसी पे ही क्वेश्चन पूरे 1.5 घंटे की क्लास एफिशिएंसी पे मैंने करा दी, एक क्लास थ्योरी में ही गई, नहीं देगा यार। तो खैर एनीवे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले थ्योरी फॉर्मूले अच्छे से कर लो, आते हैं देन फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और टाइम भी बहुत है आपके पास, अभी टाइम है, अच्छा प्रैक्टिस करके आप यू कैन बूस्ट योर स्कोर। ठीक है टेस्ट वगैरह तो होते रहेंगे, टेस्ट सीरीज मैंने बोली थी और हो ये भी है, लेकिन उसको हम उसमें एक दो टेस्ट को रीसफल करेंगे, उसकी जो डेट है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है ही, और होपफुली जिस तरह के हालात है हो सकता है डेट वगैरह में भी कोई चेंज हो आगे एग्जाम का। तो ये हो गया, इसके बाद एक सवाल और आज का बचता है फिर एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट बता के, और फिर मैं उस पर क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट वाला, एक और बचा है इसमें 20th क्वेश्चन है, द स्पेशल हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल एट लो टेम्परेचर टी इज गिवन एज सीपी इक्वल्स टू 32 टी की टी अपॉन 400 टी क्यू, ये वाला क्वेश्चन है 2011 जेई मेन का, अच्छा सवाल है, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसीलिए थोड़ा सा बात करने लग गया था बीच में, आप नोट कर लो। तो ये स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है, नोट नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं। जेई 2011 का क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप में से मोस्टली बच्चों के पास अवेलेबल होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेट पर सर्च करोगे, नेट पर भी मिल जाएगा, गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो आप इसको फ्री में, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह, क्योंकि आजकल बच्चा मोबाइल से बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, तो ये नेट पर भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, आपके पास बुक है और अच्छी बात है, प्रेफरेबली तो बुक से ही पढ़ना चाहिए वैसे। तो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल एट लो टेम्परेचर टी इज गिवन एज, ये सीपी लिख रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि सीपीसीवी, क्योंकि मेटल की बात कर रहा है, कोई गैस नहीं है कि सीपीसीवी, तो आपको जो दिया है इसमें ज्यादा सीपी पे गौर नहीं करने की जरूरत है, और इसकी वैल्यू किलो जूल पर केजी पर केल्विन, किलो जूल में दिया, ये बात भी समझने की है, और बाकी तो पर केजी पर केल्विन तक तो ठीक है। तो 32 टी की पावर क्यू और 400 की पावर क्यू मैंने इस तरह से लिख दिया, वैसे इसने जो दिया है वो इस तरह से, और आपको याद होगा मैंने पीछे ड्यूलॉन्ग एंड पेटेट्स लॉ डिवाइस लॉ पढ़ाया था, याद हो तो स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3, याद आया कुछ मोलर हीट कैपेसिटी पीछे बताया होगा मेरे ख्याल से, ऐसे करके कर्व था ये 6, याद है कुछ 3R पे जाके कॉन्स्टेंट हो जाती थी, पीछे ड्यूलॉन्ग पेटेट लॉ डिवाइस लॉ बताया था, नहीं बताया क्या इसमें, थ्योरी में ही पढ़ाया था मैंने मेटल के लिए, जिसमें yes. कुछ बताया कि नहीं बताया, हाँ तो ये वही तो है एक तरह से, देखो तो डिवाइस लॉ मैंने आपको बताया था, और डिवाइस लॉ में ये चीज मैंने बताई थी, और इस तरह का कर्व भी बताया था, और मेटल की जो है ये कांस्टेंट हो जाती है 6 3R पे जाके कांस्टेंट हो जाती है बताया था। ठीक है तो अब इसमें कह रहा है 100 ग्राम वेसल ऑफ दिस मेटल इज टू बी कूल्ड फ्रॉम is to be cooled from 20 Kelvin to 4 Kelvin by a special refrigerator operating at room temperature
27 डिग्री सेंटीग्रेड द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कूल द वेसल इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको ठंडा करने के लिए 20 केल्विन से 4 केल्विन पे लेके आना है, तो कितनी हीट हमें उसमें से निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, है ना। अब इसको देखने के लिए हमको लिखना होगा डी क्यू इक्वल्स टू एम एस डी टी, और इसे कर देते हैं इंटीग्रेट। देखो कितनी हीट हमको निकालनी पड़ेगी उस कंटेनर से, 100 ग्राम का कंटेनर को 1/10 केजी कह लेंगे, सारा डाटा उसमें है, और एम एस डेल्टा टी है, तो ये सी पी वैल्यू में एस में ही रख दूंगा, आप इसको सी लेके चल सकते हैं, ठीक है, सी लेके चल सकते हैं वैल्यू जो दे रखी है। और इसके बाद पर केजी, अच्छा यूनिट पे भी गौर करें, आप ये भी कह सकते हैं सर ये सीपी है ये तो मोल में होता था, यार यूनिट देखो ना, नाम पे मत जाओ, मैंने आपको उस समय भी सावधान किया था कि जो आपको दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया गया है वो पता लगेगा, या जो नाम है उस पे ना जाके उसके यूनिट को चेक कर लिया करो, बेस्ट तरीका है यूनिट को चेक कर लिया करो। तो यूनिट मैंने आपको बताई, इसकी यूनिट इसने दी है किलो जूल पर केजी पर केल्विन। अब आप यहां से भी देखो तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला था पर केजी यानी मास पर केल्विन डेल्टा टी, वही तो मैंने लिखा है एमसीपी या सीपी कह लो, पी से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आप हटाई तो इसको दिया है पर ठीक है हम उसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ये बात एक तो समझने की है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका 32T³ 400³, तो यहां से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे जो हीट इसमें से निकली है, और टेम्परेचर में कितना चेंज करने जा रहे हैं, टेम्परेचर में 20 केल्विन से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने जा रहे हैं ठंडा करना है, तो ये टेम्परेचर 20 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 केल्विन सॉरी, मास 1/10 कर लेता हूं 100 ग्राम है, और ये जो सी की वैल्यू है 32T³ और ये 400³, ठीक है, और यहाँ पे ये डी टी आ जाएगा टेम्परेचर में चेंज के लिए, T³ dT, और ये यहाँ पे चार्ज क्यू आए और चार्ज की सॉरी हीट आएगी। अब एक चीज समझो, ये हीट है, एक चीज और समझने की है कि यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, क्योंकि हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है बाहर निकल रही है तो माइनस साइन के साथ आएगी, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, या तो अपने आप ही आप देख रहे 20 केल्विन है और ये 4 केल्विन है, तो जब आप सॉल्व करके लिमिट डालोगे तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी नेगेटिव में मिलेगी, आने तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इतनी हीट हमें एक्सट्रैक्ट करनी है उसमें से निकालनी है, तो हीट जो बाहर जाती है जो बाहर निकलती है उसे हम नेगेटिव कह सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जीरो से क्यू और यहाँ हाई से लो, तो टेम्परेचर इधर कम हो रहा है और इधर हीट बढ़ रही है, निकालते जा रहे हैं ना धीरे धीरे, तो फिर आप ऑलरेडी यहाँ माइनस पुट कर सकते हो, तो क्यू आपको पॉजिटिव के साथ, कुल मिला के ये नेगेटिव आ भी जाता है तो आपको इसको नेगेटिव साइन के साथ लेना नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला हम एफिशिएंसी वगैरह का यूज करेंगे उसमें हीट को नेगेटिव या पॉजिटिव साइन से कोई लेना देना नहीं होता उसका, एफिशिएंसी में जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे लेके चलोगे, ऐसे लेके चलोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो वो नेगेटिव आएगा, जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो वो नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे माइनस साइन पहले से लगा लेते हो यहाँ पे, तो फिर क्यू आपको प्लस के साथ मिल जाएगा। आप माइनस साइन के साथ आ भी रहा है तो आप उसको जस्टिफाई इस तरह से कर सकते थे कि ये हीट मेटल को ठंडा करने के लिए उसमें से निकाली गई, ठंडा करने के लिए उसमें से निकाली गई, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे जो फ्रीजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, एंड दैट इज डब्ल्यू अपॉन क्यू टू, एक तो ये है, और या फिर इसको कार्बो रेफ्रिजरेटर की तरह क्वेश्चन में कहा है, और कुछ क्या है इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लेते हैं, तो ये तो हम सॉल्व कर ही रहेंगे आगे। इसके बाद ये कह रहा है 100 ग्राम वेसल ऑफ दिस मेटल ऑपरेटिंग इज टू बी कूल्ड फ्रॉम दिस टू दिस बाय स्पेशल रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग एट टेम्परेचर। अब देखिए इसमें हमको अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कूल डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, और ये जो हीट है ये पता है क्या है, आप बता सकते हो ये वैल्यू जो आई है ये क्या है, क्यू टू है कि क्यू वन है, क्यू टू मेटल में से निकालना है, मेटल में से निकालना है सर, ये क्यू टू है और हमें डब्ल्यू निकालना है भाई, डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू टू अपॉन डब्ल्यू। अब हमें क्यू टू पता लगेगा यहां से, लेकिन W नहीं पता है और बीटा भी नहीं पता है, तो हमारे लिए एक और तरीका, हमारे पास और एक तरीका है, कार्नो फ्रीजर तो ये कही इसने कहा नहीं है, लेकिन हम कार्नो फ्रीजर मान लेंगे। अब बात आती है यहाँ पे टेम्परेचर T2 और ये T1 - T2 की, ठीक है। अब यहाँ समझना ये है, यहाँ थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कुछ चीजें, ये आपका T1
और ये T2 और यहाँ वर्क इसके लिए हम कर रहे हैं राइट। तो T1 की वैल्यू तो क्लियरली क्वेश्चन में सराउंडिंग के टेम्परेचर में रिजेक्ट कर रहा है, तो ये 300 केल्विन हो जाएगी, बाहर जा रही है ना हीट फ्रीजर से निकल के 300 केल्विन हो जाएगी। अब देखिए समझने की बात यह है कि ये जो T2 है, ये जो T2 है इसकी वैल्यू क्या ली जाए, क्योंकि मेटल का टेम्परेचर है, मेटल से ही तो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीका तो यह है कि एक बार T2 की वैल्यू 4 केल्विन लो फिर सॉल्व कर लो, एक बार T2 की वैल्यू 20 केल्विन लो फिर सॉल्व कर लो, क्योंकि ऑप्शन जो आप देख रहे हैं उसमें कुछ इस तरह का आया इक्वल टू दिस, ग्रेटर देन दिस, बिटवीन दिस एंड लेस देन दिस, तो ऐसे करके आपको वैल्यू मिलेगी। या मैं एक और तरीका सजेस्ट कर रहा हूं कि 20 और 4 का एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें उसमें रेंज में पता लग जाएंगे ना, तो 20 और 4 का एवरेज टेम्परेचर, क्योंकि 20 शुरुआत में था बाद में 4 हुआ तो एवरेज टेम्परेचर हम ले सकते हैं, तो 20 और 4 का एवरेज टेम्परेचर 12 आएगा। भैया कैसे निकाला, समझ में आया कुछ? यस सर। 20 और 4 का एवरेज दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर हम 12 केल्विन लेके भी चलेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। एग्जैक्ट निकालने का तरीका तो ये होगा कि आप इसमें बीच का वो निकालना पड़ेगा ना, तो 4 केल्विन के लिए एक सॉल्व करेंगे और उसके लिए बीटा निकाल लेंगे, और फिर इसमें 20 केल्विन के लिए फिर उसका बीटा निकाल लेंगे और यहां से Q2 की वैल्यू रख के और सॉल्व कर लेंगे। एक तो वो तरीका है, लेकिन उसमें टाइम आपका जाएगा ज्यादा, तो बेटर ये है कि T2 का टेम्परेचर 12 केल्विन लेके सॉल्व किया जाए, T2 का टेम्परेचर 12 केल्विन लेके सॉल्व किया जाए, एवरेज ले लिया 20 और 4 का एवरेज 12, तो 12 ये हो गया, 300 केल्विन ये हो गया, और ये हमें यहां से Q2 ये इधर से निकल आया। इंटीग्रेट करने के बाद W हमसे पूछा गया है, W ही पूछा गया है, आगे क्वेश्चन अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कूल द वेसल। हाँ, और देखिए एक चीज और समझना, ये जो मैंने वैल्यू रखी है ये किलो जूल में है, तो ये आंसर हमारा Q2 जो आएगा वो किलो जूल में आएगा। एक चीज पर गौर करने की जरूरत, छोटी छोटी बातें हैं जिनमें गलती हो सकती है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू किलो जूल में आएगी। अब अगर आप इसको किलो जूल में रख रहे हो, यहां से वैल्यू आप जब निकालेंगे तो ये जैसे T2 आ गया, ये 12 आ गया, और इसका डिफरेंस 288 आ जाएगा, 288 नहीं, उल्टा कर दिया क्या मैंने, नहीं ठीक है ठीक है, तो ये आ गया 12 और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 288, ये बीटा आ गया समझो। अब इसके बाद ये जो Q2 आया ना, Q2 ये Q2 किलो जूल में आया है, और ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो W की जो वैल्यू आएगी वो भी किलो जूल में ही आएगी, और आंसर भी अगर आप देखो तो आंसर भी सारे किलो जूल में दे रखे हैं। ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जो डेटा दिया है वो किलो जूल में दिया है, तो आप इसमें अलग से 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी केजी और केल्विन में है। आई थिंक मेरी बात समझ में आई हो आपको, ठीक है। तो ये बीटा आ गया आपका Q2 अपॉन W, और ये T2 और ये T1 - C2, ये मेटल यहाँ पे था, तो मेटल के जो टेम्परेचर है वो 20 केल्विन से 4 केल्विन की रेंज में था, तो मैंने एवरेज टेम्परेचर ले लिया 12 केल्विन, और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर जिसपे हीट Q1 रिजेक्ट हो रही है वो 300 केल्विन, क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है 27 डिग्री, तो Q2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ का टेम्परेचर T2 यानी कि 12, और T1 और T2 का डिफरेंस 288, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 12 से ये 24, 4 ये 2 और 4 यही आएगा भाई, 12 तो 24, 4 1/24 राइट। अच्छा बाकी का काम आप यहां से सॉल्व कर ही लोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट कर लो इसको, तो ये आ जाएगा माइनस साइन लगाओगे तो प्लस के साथ ही आएगा वो वैल्यू, जब आप इस पे लिखोगे तो ये 32 और ये 4 और 16 4 64 64 और ये 6 और 1 7 70 तो ये हो गए, और इधर आ जाएगा आपका t की पावर 3 अपॉन dt 4 को बाहर ले लो और ये इसमें वैल्यू रख दो 4 और ये 20, यहाँ माइनस साइन को रखो अपने आप ही प्लस के साथ, प्लस का मतलब ये मत समझना कि हीट ऐड करी गई, मैंने पहले बताया कि माइनस या तो लेके चलो या माइनस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, उस माइनस को यहाँ पे विदाउट साइन रखो, इस उस माइनस अभी मैंने माइनस लगा रखा है, तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो माइनस में नहीं आने वाला आंसर, माइनस में आंसर आने वाला नहीं है ठीक है, लेकिन अगर माइनस में आता भी Q2 भले ही है लेकिन यहाँ पे उसको विदाउट साइन ही हमें रखना पड़ेगा, ध्यान रहे हमें उसको विदाउट साइन ही रखना पड़ेगा ठीक है। तो अब यहां से 4 to the power 4 और 20 की पावर 4 आप ये रख लेंगे,
इसे देखो सॉल्व करके क्या आती है वैल्यू, इससे ये चला जाएगा 8 टाइम्स और 8 से ये 8 टाइम्स, ये 4 16 और 4 64 और ये 10 की पावर 6 7 ये आ गया 2 जूल आ रही है सर। कितनी आ रही है? 2 जूल। 2 जूल यस सर। 2 जूल तो यार कोई आंसर नहीं, जूल क्या किलो जूल आएगी फिर सर? वो सर वो 0.002 आ रहा है सर किलो जूल में, 0.002 किलो जूल, 0.002 कौन सी रेंज में है इसमें किसी में दिखाई दे रहा है? अच्छा पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है मेरे ख्याल से इक्वल टू, ये भी एवरेज वैल्यू आएगी सर, मगर ये क्यू आया है ना सर, अभी डब्ल्यू है ना सर वो पूछा आंसर में। हाँ तो निकालो ना, इतना तो तुमको करना पड़ेगा, मैंने तो बस आपको एक आइडिया दिया। अच्छा ये वाली वैल्यू बता रहे हो? यस सर। हाँ तो फिर बाकी निकालो अभी, ये कितना आया सॉल्व करने के बाद में इसमें से? इसमें एक मिनट, 4 की पावर 4 भी कॉमन ले लेते हैं, 4 की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 5 की पावर 4 आएगा। 5 की पावर 4 का मतलब समझ रहे हो, 625 माइनस 1 करेंगे, 625 यानी 624 हो जाएगा, माइनस का है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ बचा 4 की पावर 4 यानी कि 4 4 16 256 और ये 624 और नीचे आ जाएगा 8 और 10 की पावर 7 और 8 3 और 2 32। ये वैल्यू देखो कितनी आती है सॉल्व करके, ठीक है बाकी को छूटा तो है नहीं, सॉल्व करने के बाद ये आपको जो डाटा मिलेगा वो किलो जूल में मिलेगा। इसकी वैल्यू बता दो मुझे कितनी आ रही है, कितना? 1964 × 24⁻⁷। आज कट रही है, साफ नहीं आ रही तुम्हारी बात, चलो मैं ही कर देता हूँ सॉल्व। 32 × 624 आया 199.68 और 10 की पावर −7 किलो जूल, ठीक है। अब इसमें और फर्दर अगर हम करते भी तो इसको राउंड ऑफ भी करेंगे तो 5 और ये 0.002 के करीब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 5 तो यही हो गए, यही बताया था शायद तुमने, ठीक है यही वैल्यू बता रहे थे, ये ध्यान रखिए Q2 आया है। अच्छा एक आंसर मैं अभी इसमें देख रहा था, एक आंसर जो आया है ये मैंने राउंड ऑफ थोड़ा सा कर दिया इसको, ठीक है तो एक आंसर इसमें दिया भी है इक्वल टू 0.02 किलो जूल, लेकिन वो Q2 की वैल्यू है। अब बारी आती है यहाँ से, ये बीटा हमें मिल गया और हमको W निकालना है, तो आप देखिए W की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से Q2 अपॉन बीटा और Q2 की वैल्यू 0.02 किलो जूल और ये बीटा की वैल्यू 1/24 तो ये ऊपर आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.048 किलो जूल, ठीक है। ये इतना वर्क हमें करना पड़ेगा तो अब इसमें इस रेंज में मतलब ये वैल्यू कौन सी रेंज में, जैसे पहले वाला आंसर तो हुआ नहीं, दूसरे वाले में कह रहा है ग्रेटर देन 0.148, क्वेश्चन आपके पास होगा, ऑप्शन भी आपके पास होंगे, मैंने पहले ही सेंड कर दिए थे, और बिटवीन ये सी वाला आंसर हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया इसमें दिया है बिटवीन, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सी वाले ऑप्शन में दिया है बिटवीन 0.148 किलो जूल एंड 0.028 किलो जूल, और किसी आंसर में है नहीं तो आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आप देखिए पहला ऑप्शन था 0.002 किलो जूल जो कि Q2 की वैल्यू आई, Q2 नहीं निकालना W निकालना है, फिर आगे कह रहा है ग्रेटर देन 0.148 किलो जूल, 148 किलो जूल से ये छोटा है, ठीक है। फिर तीसरे में ऑप्शन में यही कहा है जो आप यहां देख रहे हैं और लास्ट वाले में कहा है लेस देन 0.28 किलो जूल, इससे छोटा जबकि ये इससे बड़ा है, तो इस रेंज में आ गया, तो अपना आंसर मैच कर रहा है। मैंने आपको वही बताया था कि इसमें आप दो बार में सॉल्व करोगे 4 केल्विन और 20 केल्विन लेके चलते तो उसमें टाइम आपका ज्यादा जाएगा, दोनों वैल्यू मिल जाएंगी, जहां तक मुझे लग रहा है ये और ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू तब आती है
जब आप एक बार 4 केल्विन लेके सॉल्व करोगे, 20 केल्विन लेके चलोगे, तो ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। ऐसा मेरा गैस है, मैं अंदाजा बता रहा हूँ कि तब ये ऐसा आएगा। बट हमने क्या किया, टाइम बचाया, एग्जाम में टाइम बचाना जरूरी है, तो यहाँ पे 12 केल्विन ले सकते हैं, 20 और 4 का एवरेज हमने ले लिया, तो वो इसी रेंज में आ रहा है। सो आंसर इज सी। ठीक है, ये तो भैया आपके क्वेश्चन हो गए, यहां तक क्वेश्चन हो गए आपके एफिशिएंसी को लेके। अब एक पार्ट जो इसमें रह गया है बस लास्ट, वो है आपका एंट्रोपी वाला। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराऊंगा कि किसी साइकिल में एफिशिएंसी अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लो पहले। किसी का कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो। अच्छा सवाल है, जेई मेन 2011 का है, आप फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि अभी हमारी क्लास खत्म होगी, उससे पहले मैं ये क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं। आज थर्मोडायनामिक्स हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और मैं इसमें दे रहा हूं अपनी तरफ से, ये हमारा P और ये वॉल्यूम V। ये एक साइकिल दी है और इसमें ये बताया कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू। ठीक है, और इसमें ये आपको दिया है प्रेशर 200 किलो पास्कल और ये यहाँ पे 100 किलो पास्कल, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 0.02 मीटर क्यूब और 0.04 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में दे रखा है वॉल्यूम। ठीक है, अब ये प्रोसेस को लेट मी नेम इट ए बी सी, तो फाइंड एफिशिएंसी ऑफ अब आप साइकिल, एक बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा। अब देखिए, इस एफिशिएंसी तक पहुंचने से पहले कई सारी चीजें आपको जाननी होंगी, मैं कराता हूं थोड़ा फास्ट क्योंकि मैं टाइम का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ ए से बी, बी से सी और सी से ए, वापस हम आ गए, ये पूरी साइकिल है। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए ये प्रोसेस आइसोकोरिक, ये आइसोथर्मल और ये आइसोबारिक। तो किसी भी हाल में ये कोई कार्नो साइकिल नहीं है, क्योंकि कार्नो साइकिल में 2 एडियाबेटिक और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस ही होते थे, तो ये ऐसा नहीं है। अब इसके लिए एफिशिएंसी निकालने के लिए वही जो अप्रोच मैंने आपको बताई थी जनरल प्रोसेस वाली, वो हम लगाएंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हीट्स अपॉन हीट सप्लाइड। तो पहले देख लेते हैं किस किस प्रोसेस में हीट दी गई, फटाफट से यहां से हम यहां चलते हैं। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वर्क डन 0 होगा, तो जो क्यू आएगा हीट, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू रेफरी डेल्टा यू, और इसे हम एन सी वी डेल्टा टी कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ, ये जरूरी होगा, 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, ये लिख लेना, 2 मोल्स ऑफ ए डायटोमिक गैस इज टेकन थ्रू साइकिल ए बी सी ए, ये जरूरी है, 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल ए बी सी ए, एक साइकिल ए बी सी ए के थ्रू हम इसको लेके जाते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी बतानी है, क्योंकि आगे आपको नंबर ऑफ मोल्स और सीपीसीवी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये जानना जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आ गया आपका डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी, 2 मोल है और डायटोमिक गैस के लिए 5R/2 और टेम्परेचर में चेंज। अब टेम्परेचर कैसे निकाला जाए यहाँ का और यहाँ का, तो आप देखिए एक काम कर सकते हैं, टेम्परेचर के लिए बहुत आसानी से निकल आएगा, टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है पीवी अपॉन एनआर, टी इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआर, पी प्रेशर दिया है 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल का मतलब 10^5 और जो वॉल्यूम दिया है वो एसआई में दिया है, तो ये 2 × 10^-2 0.02 मीटर क्यूब का है, तो 2 × 10^-2 नंबर ऑफ मोल्स 2 और डिवाइडेड बाई आर, चाहो तो 25/3 करके निकाल भी सकते हो, 25/3। ठीक है, या आर के टर्म्स में रखना चाहो तो आर के टर्म्स में ही रहने दो, इससे ये कट जाएगा
और ये आ गया ऊपर 1000 बाई आर। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, ये टेम्परेचर टी आ गया। और अब एक चीज समझो, यहां से यहां अगर हम जा रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस है, ध्यान से समझना, आइसोकोरिक प्रोसेस में पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो प्रेशर अगर डबल हुआ है तो टेम्परेचर भी डबल हो गया होगा, यानी टी भी टेम्परेचर आ जाएगा 2000 आर। आप चाहो तो इसकी वैल्यू 25/3 करके निकाल भी सकते हैं, तो 25 से 40 थी 120 केल्विन आ जाएगा, तो ये फिर 240 केल्विन आ गया, यानी हमें यहाँ का टेम्परेचर भी पता लग गया 240 केल्विन, और ये पूरे में 240 रहने वाला है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, और यहाँ पे 120 केल्विन, तो ये 240 यहाँ का भी ठीक है, और फिर इसके बाद कम हो गया, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आया वो आ जाएगा, दोनों का अंतर लेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई आर, सॉरी ये नीचे आएगा, 1000 बाई आर आ जाएगा, आर से आर चला जाएगा, टू से ये चला जाएगा, तो ये 5000 जूल हीट आई, और पॉजिटिव हीट आएगी क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ा है ठीक है और टेम्परेचर बढ़ा है, तो ये Q1 जो आ गया, लेट मी से Q1 5000 जूल कितनी हीट देनी पड़ी। इसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस बीसी के लिए जो Q2 होगा वो W के बराबर होगा, Q2 जो होगा वो W के बराबर होगा, और W को अगर हम लिखेंगे तो NRT log V final upon V initial, कैसे करोगे, देखो इंटरनल एनर्जी में तो चेंज होगा ही, तो जो हीट है वो ये आ जाएगी NRT। अब N में नंबर ऑफ मोल्स दो है, R की वैल्यू R ही रहने, तो टेम्परेचर इसका ये वाला रखेंगे हम कितना, 2000 बाई आर और लॉग, अब समझो लॉग वी फाइनल, यहाँ का वॉल्यूम ये है और इनिशियल वॉल्यूम ये था, तो ये और ये वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 2 है, तो ये 2 आ गया, इससे ये चला गया और ये आ गया 4000 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू 0.693 होती है, 0.693 होती है, मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूं, मैं 0.693 को 0.7 ले लेता हूं, तो 0.7 ये आ जाएगा, एक जीरो चला जाएगा, 7428 2800 जूल ये आ गया। मैंने क्या किया, log 2 की वैल्यू 0.693 होती है, 0.7 ले लिया, टाइम बचाना होता है एग्जाम में, तो आप इस तरह की अप्रोच ले सकते हैं, लगभग आंसर मैच कर जाएगा, मैंने ऑप्शन दी थे, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये 4000 log 2 0.693 0.7 एक जीरो चला गया, ये आ गया, तो ये हीट भी पॉजिटिव आई है, यानी ये हीट भी देनी पड़ी, Q2 आ गया ठीक है। इसके बाद इसमें भी दी, तो इसमें पक्का मैं कह सकता हूँ रिजेक्ट हुई होगी हीट, लेकिन वो अभी हमें पता भी लग जाएगा कैसा प्रोसेस है, कैसा आइसोबारिक, तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा, सॉरी हीट हमें चाहिए, तो हीट Q3, और इसके लिए सीधे सीधे वर्क नहीं निकालना, हमें निकालना है NCP∆T, हीट निकालनी है, वही तो चाहिए, तो N की वैल्यू यहाँ पे 2 और CP की वैल्यू 7R/2 होती है, डाइएटॉमिक गैस के लिए CV होता है 5R/2, तो ये 7R/2, और टेम्परेचर में जो चेंज हुआ 240 केल्विन और 120 केल्विन, या ऐसे समझो 2000 R डिवाइड और ये 1000 बाई R है, तो ये कम होके माइनस का 1000 बाई R हो गया, 1000 बाई R माइनस में, तो R से R चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा, तो माइनस का 7000 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी निकालनी है, वी आर वेरी क्लोज टू एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता था W अपॉन क्यू सप्लाइड, यही तो बताया था मैंने। अच्छा एक सवाल और भी हो सकता था कि W कितना है, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हीट्स मैंने बोला था, इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ऑल्सो फाइंड द वर्क डन, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल एंड वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, तो मैंने देखो ये फॉर्मूला जानबूझ के इस तरह से लिखा कि जो W कभी भी आपको निकालना हो, समझो मेरी बात को, इसका एरिया होगा वैसे तो, पर एरिया थोड़ी निकाल पाओगे क्योंकि ट्राइंगल तो है नहीं ये, तो एरिया वैसे नहीं निकलेगा, बट हम ये जानते हैं कि ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला W अपॉन क्यू सप्लाइड, दैट इज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन Q1 प्लस Q2 है, तो ये Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 से वर्क मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो वर्क कितना आएगा भाई बताएगा कोई मुझे, वर्क मैं यहां लिख देता हूं, W की वैल्यू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, तो ये आ गया आपका देखो 5000 ये है, 2800 ये है, और 7000 नेगेटिव में आया, ये माइनस साइन मत कर देना दोनों को, ये माइनस साइन
और ये माइनस साइन मत कर देना, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हीट्स है, तो या तो एक काम करके चलो ये सब प्लस में लेकर चलो माइनस साइन लगा देना, मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही हो। ऐसा मत कर देना कि माइनस और माइनस लगा के प्लस बना दिया, कितना आ गया 800। हाँ ये वर्क आ गया पूरी साइकिल में, यानी आपसे इसका एरिया भी पूछे तो एरिया भी मिल गया, आपको मेरी बात समझ में आई हो शायद। इसके बाद देखिए यहाँ पे सीधे एफिशिएंसी की बात आती है, तो एफिशिएंसी में ऊपर आ जाएगा 800 और नीचे केवल सप्लाइड हीट, तो सप्लाइड हीट यही है भैया, तो ये आ गया आपका 7800। और अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं 100 का मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सॉल्व कर लेना ये, और सॉल्व करके वही 800 इधर रहने दो, दो जीरो यहाँ से उड़ा देते हैं। 10.25 कितना आ रहा है? 10.25% 10.25% आ रहा भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आया होगा आई होप। नोट कर लो फटाफट से, कोई डाउट हो आप वीडियो और एक बार देख लेना, एक बार दो बार, और अभी कुछ पूछ रहा हो कहीं कोई डाउट आ रहा हो आप पूछ सकते हो। हर प्रोसेस में हीट, जैसे इसमें हीट जो होगी वर्क होगा नहीं, जो हीट होगी वही इंटरनल एनर्जी है वो भी निकल आई, इस वाले प्रोसेस में जो हीट है वो वर्क के बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी होगी नहीं। इस वाले प्रोसेस में जरूर आप वर्क निकाल सकते हैं, पी डेल्टा भी करना चाहो तो कर सकते थे, आईसो बारिक प्रोसेस है, डेल्टा भी निकल आएगा, प्रेशर दे रखा है अगर जरूरत हो, मुझे जरूरत नहीं थी तो मैंने एनसीपी डेल्टा टी से डायरेक्ट निकाल दिया, और पूरे प्रोसेस में वर्क आ गया हमारे पास और ये एफिशिएंसी आ गई। अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एफिशिएंसी को लेके, नो डाउट कैलकुलेशन है, इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन अगर आता है तो आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। मैंने इसको फिर भी छोटा रखा है, नहीं तो मैं इसको ऐसे करके 1, 2, 3, 4 प्रोसेस करता तो चारों में फिर निकालनी पड़ती, कैलकुलेशन थोड़ा और बढ़ जाती, ठीक है। नोट कर लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां से मैंने ये सॉल्व किया है यहां तक, उसके पहले ये वाला पार्ट मैंने पहले ही निकाल लिया था, वर्क बीच में इसमें डाल दिया और बाकी ये आ गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, वो सीक्वेंस आप समझ सकते हैं कैसे किया है, ठीक। इसका वीडियो वगैरह देखोगे तो और समझ में आ जाएगा, मैं अपलोड कर ही दूंगा। अब देखिए इसके बाद लास्ट एक चीज और मुझे बताना जरूरी लगता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंट्रोपी को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है, रैंडमनेस है, रैंडमनेस के बारे में बताता है। अब रैंडमनेस का मतलब क्या है? रैंडमनेस का मतलब ये है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो इसमें किसके मॉलिक्यूल में ज्यादा रैंडमनेस है? सॉलिड में, थोड़ा जल्दी कवर करूंगा तो मेरी अगली क्लास भी होती है, गैस के मॉलिक्यूल में रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी सॉलिड, लिक्विड में उससे कम होगी सॉलिड में। यानी किसी सब्सटेंस को अगर हम हीट देंगे, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, तो जब हम हीट दे रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ेगी, और अगर उसमें से हीट निकाली जाए तो रैंडमनेस कम होगी। तो एक तो ये बात समझनी है, बहुत हाई फाई चीजें नहीं करूंगा, बहुत सिंपल चीज है एकदम। एंट्रोपी होता क्या है? रटने की चीज नहीं है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। और ऐसे समझो, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरी एंट्रोपी कम है, और मैं अगर यहाँ घूम घूम के पढ़ाना शुरू कर दूं तो मेरी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा, रैंडमनेस ज्यादा होगी। मेरी क्लास खत्म होगी जैसे ही आप उठ के खड़े हो जाओगे, और आप हो सकता है ब्रेकफास्ट करने जाओ, हो सकता है अभी सुबह सुबह उठ के बैठे हो, ब्रश भी ना किया हो, बस नींद में जगे और बस मोबाइल चालू कर दिया, बस शुरुआत हो गई, तो क्लास खत्म होने के बाद आप वेट करेंगे कि कब क्लास खत्म हो, मैं जाऊं, मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगा, मैं नहाने जाऊंगा, या जो भी व्हाटएवर, तो आपका जो स्टेट थी पहले रेस्ट की थी उससे मोशन में आ गया, आपकी रैंडमनेस बढ़ गई। ऐसे ही मैंने कहा कि एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस है। अब जैसे मान के चलिए मेरे रूम में यहाँ एसी चल रहा है, आपके रूम में वहां एसी चल रहा है, तो रूम ठंडा हो रहा है, यानी इसमें से हीट निकाली जा रही है, इसका मतलब रूम की रैंडमनेस क्या हो रही है? कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, रैंडमनेस कम होगी, क्योंकि आप जानते हैं मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे या वाइब्रेट करेंगे अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो गैस के मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो टेम्परेचर ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, रैंडमनेस ज्यादा। तो गैस को अगर हम ठंडा कर रहे हैं तो रैंडमनेस कम हो रही है, रूम को ठंडा कर रहे हैं एसी चला के, रैंडमनेस कम हो रही है, रूम की रैंडमनेस कम हो रही है, एंट्रोपी कम हो रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात समझी थी, वो हीट पंप वाले केस में, रेफ्रिजरेटर वाले में,
कि जितनी हीट Q2 निकालते हैं उसके साथ वर्क एड होके बाहर जो हीट रिजेक्ट होती है वो ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नीट में आ चुका है, ये 90 आया था मेरे ख्याल से, और ये वर्क 10 करना पड़ा था और यहाँ हीट जो रिजेक्ट हुई थी वो 100 जूल, ये 90 आंसर आया था याद हो तो, 10 जूल का वर्क 90 जूल हमने एक्सट्रैक्ट करी बाहर, तो ये रूम में से 90 निकाली। आपको क्वेश्चन याद आया अभी थोड़ी देर पहले, एक हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल करते थे, उसकी एफिशिएंसी 1/10 दे रखी थी, तो ये हीट Q2 निकाली उसके लिए इतना वर्क किया, तो बाहर जो हीट गई वो Q1 गई। तो आप देखिए कि रूम की एंट्रोपी तो कम हो गई, मेरी बात समझो, रूम की एंट्रोपी कम हो गई लेकिन बाहर जो सराउंडिंग में गई उसकी एंट्रोपी उतना ही नहीं उससे भी ज्यादा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस सर, बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा मैं आपको, और इसमें अब तक आपने रटा होगा, एंट्रोपी का फील आज मैं दूंगा आपको क्या है इसका मतलब। 90 जूल हीट एक्सट्रैक्ट करी रूम के अंदर से, बाहर 100 जूल गई, तो जितनी हीट हमने निकाली एंट्रोपी डाउन करी, एक जगह टेम्परेचर डाउन किया एंट्रोपी डाउन करी, लेकिन उससे ज्यादा सराउंडिंग में रिजेक्ट कर दी, उससे ज्यादा सराउंडिंग में रिजेक्ट कर दी, यानी कि एंट्रोपी हम कम तो करते हैं लेकिन उसको कम करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है वो भी हीट में चला जाता है। तो एंट्रोपी एक जगह जब कम करोगे ना तो उससे दूसरी जगह 100% बढ़ेगी। 100% मतलब नहीं, टर्म हटाओ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने कहा एक जगह अगर एंट्रोपी डाउन करोगे तो दूसरी जगह उसके बदले में उससे ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि उसको कम करने के लिए आपको कुछ जो वर्क करना पड़ेगा ना वो भी एड हो जाएगा। यानी किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी या तो कॉन्स्टेंट रहेगी या फिर बढ़ेगी। आप उसको कम करते हो अगर एक जगह तो दूसरी जगह उससे ज्यादा बढ़ जाती है, तो पूरे यूनिवर्स की मिला के एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ेगी। अब यूनिवर्स में मेरा रूम भी आ गया और बाहर भी आ गया, मेरा रूम ठंडा हो रहा है, एसी चल रहा है, तो यहाँ ये मेरा सिस्टम हो गया, ये सिस्टम है रूम, तो सिस्टम और बाहर क्या है सराउंडिंग, तो सिस्टम और सराउंडिंग की मिला के या तो कॉन्स्टेंट रहेगी या फिर बढ़ेगी। अब आपने कहा कॉन्स्टेंट कैसे, मैं एसी चलाऊंगी ना, बंद रखता हूं, मैं नहीं चला रहा हूं, तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कहीं जा नहीं रही हीट, इसमें से खींच के बाहर नहीं करनी पड़ रही, कंप्रेसर नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैंने कंप्रेसर चलाया ये 10 जूल हीट मुझे वर्क मुझे करना पड़ा और ये इसमें और एड होके ज्यादा रिजेक्ट हो गई। यानी एंट्रोपी यूनिवर्स मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग कि या तो कांस्टेंट रहती है या बढ़ती है, इसे कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एंट्रोपी कोई कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू या तो कांस्टेंट रहती है या फिर बढ़ती है, कम कभी नहीं होती कि एक जगह कम हो गई दूसरी जगह बढ़ गई, बढ़ती भी है तो उससे ज्यादा ही बढ़ती है। इसका और एक एग्जाम्पल, आपने पानी लिया, एक कटोरी पानी लिया, एक बाउल में पानी लिया और उसको जमने के लिए फ्रीजर में रख दिया, अब क्या होगा उसमें से पानी, आज क्वेश्चन भी किया, पानी में से हीट को हमने एक्सट्रैक्ट किया, पानी में से हीट को एक्सट्रैक्ट किया और उस हीट को एक्सट्रैक्ट करके फ्रीजर ने किचन में बाहर रिजेक्ट कर दिया, तो फ्रीजर के अंदर जो बर्फ थी वो लिक्विड से सॉलिड बन गई, पानी जो था वो लिक्विड से सॉलिड बन गया, तो रेंडमनेस क्या हो गई कम हो गई। और अगर ये रेंडमनेस कम हुई है तो किचन में रेंडमनेस बढ़ी और उससे भी ज्यादा, क्योंकि जितनी हीट बर्फ में से, अभी क्वेश्चन भी किए थे थोड़ी देर पहले, जितनी हीट निकाली गई होगी बर्फ जमाने के लिए उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा और उससे कुछ ज्यादा हीट रिजेक्ट होगी। तो नो डाउट हमने एक जगह कम कर दी, पानी की एंट्रोपी कम कर दी, ठंडा कर दिया, लेकिन उसको करने के चक्कर में हमने किचन की एंट्रोपी उससे भी ज्यादा बढ़ा दी। इसलिए एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या हीट का एक्सचेंज ही मत है, उन्होंने तो एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है, अदरवाइज किसी भी प्रोसेस में वो बढ़ेगी। तो एंट्रोपी कंजर्व क्वांटिटी नहीं है, या तो कांस्टेंट रहेगी या ये इंक्रीज करेगी। आपको एंट्रोपी का मतलब समझ में आया क्या? अगर आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं, एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहां लिखेंगे और पॉइंट्स वाइज ही आप इसको लिखोगे, फटाफट से मैं बोलता हूं, आप लिखना शुरू करिए। ठीक है, एंट्रोपी क्या है तो आप लिखेंगे
इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस। It is the measure of disorderness or randomness. ठीक है, it is the measure of disorderness or randomness of molecular motion. ठीक है, molecular motion of the system. पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट वाइज लिख लें, ग्रेटर इज द डिसऑर्डरनेस, ग्रेटर इज द डिसऑर्डरनेस, ग्रेटर इज द एंट्रोपी। मैंने अभी आपको बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा गैस की और सबसे कम सॉलिड की होगी। तीसरा पॉइंट फटाफट से लिखते जाएं, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, अच्छा ये एक ऐसी एनर्जी है जिसका यूज नहीं कर सकते, दिस इज एनर्जी या इट इज एनर्जी अनअवेलेबल फॉर वर्क, इट इज एनर्जी अनअवेलेबल फॉर वर्क। It is energy unavailable for work. ठीक है, ठीक, अगर कोई भी हीट का एक्सचेंज होगा तो एंट्रोपी चेंज होगी। अगला पॉइंट फोर्थ, इफ देयर इज एनी एक्सचेंज ऑफ हीट कॉमा एंट्रोपी विल चेंज। अब देखिए, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इफ डेल्टा क्यू हीट इज सप्लाइड then supplied then change in entropy delta s, ये delta q by t ये formula use होगा आगे question में। if there is any exchange of heat entropy will change full stop या comma है, at constant temperature t if delta q heat constant temperature T, if delta Q heat is supplied, then delta S equals to delta Q by T. ठीक है, delta Q by T. अब इसके बाद देखिए, delta Q by T, if temperature is variable, अगर temperature variable होता है तो ये formula में थोड़ा सा change आ जाएगा, temperature is variable, तो delta S अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे dQ upon T और integration ऐसे करना पड़ेगा, यानी ये ds है और ये dq by dt, छोटा सा पहले लेंगे और फिर कर देंगे इसको हम इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करोगे आप यहां से तो ये आ जाएगा डेल्टा s इक्वल टू इंटीग्रल dq by t, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और एक चीज यहां ऊपर जो लिखा हुआ है, ये अगर आपको हीट निकालनी हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है ना, इस वाले टर्म को देखो, ये T को आप इधर ले जाएंगे TdS और ये dQ, और आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये आपको हीट जो एक्सचेंज होगा वो पता लग जाएगा, इंटीग्रल TdS। ठीक है, dQ इक्वल्स टू इंटीग्रल TdS आ जाएगा यहीं से। और ये पता है क्या है, ये जो आता है इसे हम कह सकते हैं एरिया अंडर, ध्यान से समझना, एरिया अंडर TS का मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व। तो यहाँ पे TS कर्व में जो एरिया आएगा उससे हमें हीट मिल जाएगी, ये भी एक चीज आ गई, ये सब आपने नोट कर लिया होगा।
अभी और भी एक दो चीजें मैं बताऊंगा। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं कहूँ एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो, तो डेल्टा एस जीरो हो जाएगा। डेल्टा एस जीरो का मतलब कोई चेंज नहीं होगा, एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इन अगला पॉइंट है ये फिफ्थ वाला, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट, ठीक है, नो चेंज, नो चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। और यहां पे एस एंट्रोपी, एस रिमेन कॉन्स्टेंट, एंट्रोपी एस रिमेन कॉन्स्टेंट, किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। अब इसके बाद एंट्रोपी, जैसा मैंने बताया कि ये कांस्टेंट नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती, ये या तो कांस्टेंट मतलब कंजर्व नहीं रहती, या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर इंक्रीज करेगी, डिक्रीज कभी नहीं कर सकती, कि एक जगह डिक्रीज की है तो उतनी ही दूसरी जगह बढ़ जाए, उससे ज्यादा बढ़ती है। सो ये कोई कंजर्व क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो एक और पॉइंट, एंट्रोपी is not a conserved quantity. Entropy is not a conserved quantity. Entropy is not a conserved quantity. It is either constant or increasing. और अगर एक बार कोई एंट्रोपी जनरेट हो गई तो उसे कम अगर करोगे तो उससे ज्यादा फिर आपको दूसरी जगह जनरेट करनी पड़ेगी। एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड, कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि अगर आपने कम करी, डिस्ट्रॉय करी एक जगह, तो उससे ज्यादा दूसरी जगह जनरेट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा रूम को ठंडा कर रहे हैं तो बाहर उससे ज्यादा एंट्रोपी जनरेट हो रही है, तो यहाँ कम हो रही है लेकिन दूसरी जगह तो बढ़ रही है। एंट्रोपी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एंट्रोपी वंस क्रिएटेड, एंट्रोपी वंस क्रिएटेड, एक बार बन गई यूनिवर्स में वो रहने वाली है। एंट्रोपी वंस क्रिएटेड, यूनिवर्स हैज टू कैरी द बर्डन ऑफ इट फॉर एवर, यानी एक बार एंट्रोपी अगर बन गई ना तो यूनिवर्स, कह रहा हूं मैं सिस्टम नहीं कह रहा हूं, सिस्टम में कम कर दोगे तो सराउंडिंग में बढ़ जाएगी, सराउंडिंग में कम कर दोगे तो सिस्टम में बढ़ जाएगी, तो यूनिवर्स में तो रहेगी। वही मैंने लिखा है एंट्रोपी वंस क्रिएटेड कॉमा यूनिवर्स हैज टू कैरी द बर्डन ऑफ इट फॉर एवर, हमेशा के लिए यूनिवर्स में रहने वाली है, ठीक है। अगर एक बार क्रिएट कर दी, यूनिवर्स के दो पार्ट, एक सिस्टम जहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरा का जो बचा हुआ पार्ट होता है दैट इज सराउंडिंग, ठीक है। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप एंट्रोपी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। और वो ये है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है कि एंट्रोपी इज नॉट अ कंजर्व क्वांटिटी, ये तो हो गया। सेकेंड लॉ, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टेटेड in terms of entropy as, entropy के terms में इसको हम express कर सकते हैं second law of thermodynamics को, और वो ये है कि हम ऐसा कोई process नहीं बना सकते जिसमें system की entropy decrease कर रही हो, ठीक है। हम एक ऐसा system नहीं बना सकते जिसमें can be stated as we cannot have
a process. We cannot have a process in which entropy of the universe is decreasing. ठीक है, यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट होगी या बढ़ेगी, और कांस्टेंट वो होगी एडियाबेटिक प्रोसेस में जब कोई भी हीट का एक्सचेंज ना हो, अदरवाइज एंट्रोपी बढ़ती ही रहती है या कांस्टेंट रहेगी, लेकिन डिक्रीज कभी नहीं होती। वही मैंने इसमें कहा है कि एंट्रोपी एक बार क्रिएट हो गई तो यूनिवर्स में वो हमेशा रहती है। ठीक है, ये दैट इज ऑल अबाउट एंट्रोपी, बहुत कुछ बता दिया, फटाफट से नोट करिए। मैं आपको इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा और वो है कार्नोट साइकिल एंट्रोपी के टर्म्स में। ठीक है, कार्नोट साइकिल आपको याद होगा, कार्नोट साइकिल में मैंने आपको बताया था चार प्रोसेस होते हैं कार्नोट साइकिल में। ठीक है, दो एडियाबेटिक और दो आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में देखो ध्यान से, ये प्रोसेस हो गया आपका आइसोथर्मल। इसमें क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और हीट सप्लाई करी थी। अगर ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं थोड़ा सा इरेज करके उस डायग्राम से कंपेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप उसको स्क्रीनशॉट लिया करो, बार बार बोलता हूं। देखो हमने जो डायग्राम बनाया था पीछे, वो डायग्राम पी और वी में था और ये कुछ इस तरह से था। ए से बी, बी से सी, सी से डी। इसमें हीट क्यू वन दी थी, इसमें हीट क्यू टू निकली थी, यहाँ का टेम्परेचर टी वन था, यहाँ डेल्टा क्यू जीरो था, यहाँ डेल्टा क्यू जीरो था, है ना, और इधर का टेम्परेचर टी टू था। तो अभी देखो इस डायग्राम को टी एस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये सवाल पूछ लेगा कॉम्पिटिशन में, ग्राफ ही पूछ लेगा कौन सा ग्राफ है, बहुत आसान है। ये टेम्परेचर टी वन के करस्पॉन्डिंग टी वन पे हमने हीट सप्लाई करी, तो जब हीट सप्लाई करोगे, हीट दोगे, तो एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी, बताओ, बोलो, बढ़ेगी। तो एंट्रोपी बढ़ाते हुए मैंने दिखाया। इसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो, यानी एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, एंट्रोपी चेंज नहीं होगी तो कॉन्स्टेंट होगी, और कॉन्स्टेंट में या तो ये ग्राफ नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो टेम्परेचर टी वन से टी टू हो गया, तो टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो ग्राफ किधर जाएगा, नीचे जाएगा, और वर्टिकल क्यों हुआ, ये बात समझ में आ गई आपको, वर्टिकल इसलिए क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं होती, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। इसके बाद सी से डी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट और हीट बाहर निकली, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये ग्राफ ऐसे होगा, और हीट बाहर निकली है इसलिए एंट्रोपी डाउन हुई होगी, कम हुई होगी, ये ग्राफ इधर आएगा। तो ए से बी, बी से सी और सी से डी हम पहुंचने जा रहे हैं, और इसके बाद में डी से ए हम जाते हैं, डी से ए। तो यहां पे एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो है, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं, एंट्रोपी कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर टी टू से टी वन हो गया। तो मैंने आपसे कहा पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि इसमें ये कार्नोट साइकिल है, और कार्नोट साइकिल पीवी कर्व में इसको टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये टेम्परेचर टी वन और ये टी टू, यहाँ पे हीट क्यू वन दी और यहाँ पे हीट क्यू टू रिजेक्ट करी, ये कार्नोट साइकिल का एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम हो गया। फटाफट से फोटो खींचो। और एक आखिरी सवाल मैं, अब ये तो थ्योरी का पार्ट था, एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं जो दे चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन जेई मेन के साथ साथ एम्स में आया है, सेम क्वेश्चन एम्स में भी आया है। अब हालांकि एम्स का एग्जाम आगे तो होगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया सेम क्वेश्चन एम्स में जेई मेन में आया है। फटाफट से करें, थोड़ा टाइम कम है, मेरी नेक्स्ट क्लास 9 बजे है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। अगर फिर भी कुछ चीजें रह जाए, आपको कम समझ में आए, तो वीडियो को आप देख लेना दोबारा से, पूछना चाहो कोई डाउट हो, रिंग करके भी, फोन करके भी पूछ सकते हैं कोई डाउट हो, लेकिन आप इसको फटाफट से नोट करिए, कहीं राइटिंग समझ में ना आए, ठीक है, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी का कोई डाउट है क्या?
देखिए ये क्वेश्चन है दोनों में एम्स में और इसमें आ चुका है, ये टी है और ये एस है और ये डायग्राम इस तरह से। केवल 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को मैक्सिमम मुझे आपको समझाने में, सॉल्व करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझाने में आपको लगेंगे 5 मिनट। ये टेम्परेचर टी, ये टेम्परेचर 2T0 और ये टेम्परेचर T0, यहाँ एंट्रोपी दी है S0 और यहाँ एंट्रोपी दी है 2S0, ठीक है। और ये साइकिल दिखा रखी है, क्या कहा है कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम दे रखा है फॉर अ रिवर्सिबल इंजन साइकिल, ठीक है। TS डायग्राम फॉर रिवर्सिबल, TS डायग्राम फॉर रिवर्सिबल इंजन साइकिल इज शोन, इट्स एफिशिएंसी इज एफिशिएंसी और चार ऑप्शन दिए हैं, 1/2, दूसरा 1/4, तीसरा 1/3 और चौथा 2/3, ठीक है। आपने अगर नोट कर लिया है, यहां तक कोई डाउट हो आप मुझे बताइए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नोट कर लिया है आपने, ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, इसमें ये बताने की जरूरत नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन। अगर नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं, कोई डाउट है यहां तक, क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट है पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन है एक जो मुझे प्रीवियस ईयर में एक ही क्वेश्चन मिला जो जेई मेन में आ चुका है 2005 में और एम्स में भी इसके आसपास ही आया है, तो खैर एम्स का तो कोई मतलब नहीं, प्रीवियस ईयर में पुरानी कहानी होगी, हिस्ट्री हो गया एम्स, अब तो एग्जाम होगा नहीं। अब देखिए इसमें आगे इस क्वेश्चन की एफिशिएंसी निकालना है और एफिशिएंसी निकालने के लिए अब देखिए एफिशिएंसी पूछी है, तो एफिशिएंसी में और कहा है रिवर्सिबल इंजन साइकिल है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था भैया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला था एल्जेब्रिक सम ऑफ, वही जो मैंने फॉर्मूला बताया ना वही काम आएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हीट्स डिवाइडेड बाय ओनली पॉजिटिव हीट, याद आया, मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बताया है जो हमेशा काम करेगा। तो इन सारे प्रोसेस में आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालना होगा हीट वगैरह कैसे दी गई है, तो आप एक चीज तो ये देखो कि इस वाले प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो कब बढ़ता है, जब हीट दी जाती है कि ली जाती है, बोलो जल्दी से, दी जाती है, ये टी टेम्परेचर बढ़ा है तो हीट ऐड करी गई होगी, ठीक। इसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एंट्रोपी कम हुई है तो हीट निकाली होगी कि नहीं निकाली होगी, निकाली होगी, Q3 हीट निकली इसमें से भैया, एंट्रोपी कम हुई है क्लियरली, अब यहाँ पे देनी पड़ी और यहाँ पे कम हुई और इस वाले प्रोसेस का और देखना पड़ेगा इस वाले प्रोसेस में, तो वो भी मैं निकाल लूंगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पे आप देखिए यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और एंट्रोपी कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज, हाँ सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, एंट्रोपी कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर तो बढ़ा लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट है, समझो मेरी बात को, एंट्रोपी कांस्टेंट है ना, तो इसमें हीट देनी पड़ेगी लेनी पड़ेगी, क्या हुआ होगा कुछ आइडिया, एंट्रोपी कांस्टेंट है ना, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो कैसा प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हो गया आइसोएंट्रोपिक, एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू जीरो राइट, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है डेल्टा क्यू जीरो, और इसमें मैं क्लियरली कह सकता हूँ इसमें हीट बाहर निकलेगी, एंट्रोपी कम हुई है और इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है तो इसमें हीट एड करनी पड़ी होगी, क्या ये Q1 और ये Q2, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, यस सर, ठीक है। अब देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं Q2 को पहले आसानी से निकाल सकता हूं, Q2 विल बी हाउ मच, T डेल्टा S,
Q2 आइसोथर्मल टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट हो, मैंने फॉर्मूला लिखाया ना पीछे आपको, फॉर्मूला क्या लिखाया था, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो ये आ जाएगा Q2 T डेल्टा S, तो T टेम्परेचर भैया T नॉट है और एंट्रोपी जो हो गई S नॉट हो गई, पहले कितनी थी 2S नॉट, तो माइनस S नॉट T नॉट, ये Q2 आ गया। यहां तक बात समझ में आई, बोलो? Yes, sir. अब इसके बाद Q1 निकालने की बारी है, लेकिन आप देखिए Q1 में टेम्परेचर वेरी कर रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, देखो आपके नोट्स, अपने नोट्स चेक करो, बताया था जब टेम्परेचर वेरिएबल हो, हीट निकालनी हो, तो इंटीग्रल टीडीएस क्या है भाई, ये सर एरिया, एरिया अंडर कर्व, और इस कर्व का नाम अगर मैं दे दूं ए बी और सी, तो कर्व बी सी के नीचे का एरिया चाहिए ना मुझे, बी टू सी, क्यू वन तो बी टू सी वाले प्रोसेस में ही तो दी गई है, बताओ? यस सर। इंटीग्रेशन थोड़ी करना है आपको, एरिया निकालना है, क्या आप एरिया का अंदाजा लगा पा रहे, कौन सा वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ये पूरा समझो, बीसी के नीचे का एरिया पूरा होगा, मालूम पड़ा ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया आपने, ट्रायंगल का एरिया नहीं, ट्रपेजियम का एरिया चाहिए हमको, और ट्रपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, टू टी नॉट, तो ये और टी नॉट, ये इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा एस नॉट, तो ये आ गया आपका 3T0S0/2, ये Q1 आ गया कि नहीं, बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। अब इसके बाद हमको एफिशिएंसी निकालनी है, देखिए बेहतरीन फॉर्मूला, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हीट, तो यहाँ पे एक Q1 है और एक Q2 है, एल्जेब्रिक सम का मतलब साइन के साथ, अपॉन ओनली पॉजिटिव हीट, ये पॉजिटिव है और ये तो आपको दिख ही रहा है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे Q1 आ जाएगा, तो Q1 ये 3T0S0/2 माइनस एस नॉट टी नॉट और डिवाइडेड बाई 3S0T0/2, ये तो गया, और ऊपर जो बचा वो 1/2, नीचे 3/2, कितना आ गया 1/3, तो आंसर हो गया थर्ड वाला, परसेंटेज में नहीं फ्रैक्शन में पूछा है, किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो पूछ लो, मैं आज की क्लास खत्म हो गई, मेरी तरफ से थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया, आप में से किसी का कोई अगर डाउट है आप पूछ सकते हो।